अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है ना? और यार क्या करना है, बहुत सारे काम है। एकदम से गर्मी स्टार्ट हो गई है, और गर्मी के स्टार्ट हुई है कि अब बच्चों के कपड़े सारे क्योंकि निकाले नहीं थे। अभी इतनी अच्छी खासी, मतलब ऐसा वेदर था कि बच्चों ने जैकेट्स तो नहीं पहनी थी लेकिन हुडीज़ वगैरह पहन के जानी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या। अब इतनी गर्मी कल पड़ी है, कल तो खैर टी शर्ट्स वगैरह पहनी थी बच्चों ने, लेकिन अब समर के प्रॉपर कपड़े निकालने पड़ेंगे। मैंने ये सोचा था रमज़ानों के बाद आराम से कर लूँगी, ईद वगैरह के बाद जो है ना बहुत आराम से हो जाएगा। और ये हमारे बर्ड्स जो हैं, अभी दिखाती हूँ, बर्ड्स भी दिखाती हूँ आपको मैं। ये शौक़ है मेरे बच्चों का और मेरे मियाँ जी का, तो बहरहाल। और हाँ, क्या बताई थी मैं, तो अभी सुबह में जब सबके सबको चाहिए थे कि मम्मा जीन्स नहीं पहननी और अब टाइट्स हैं, तो टाइट्स के साथ जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग फ्रॉक्स पहनाती हूँ मैं बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें निकालनी थी। और अभी ईद की भी तैयारी चल रही है, वो भी सब मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद के कपड़े वगैरह भी स्टिच कर रही हूँ मैं। और ये बहुत गलत फैल गया है, तो मेरी स्टिचिंग चल रही है वो मैं दिखाती हूँ। मैं कपड़े जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगी, ईद के बाद ही दिखाऊंगी या ईद वाले दिन दिखाऊंगी कि किस तरह के कपड़े थे, क्योंकि गिफ्ट है और मैं सरप्राइज़ जो है ना वो ख़राब नहीं करना चाहती। तो वो सारा कुछ भी चल रहा है, और अब एकदम से जो है ना वो गर्मियों के कपड़े निकाले थे मैंने, आज बच्चों को निकाल दिए थे जो सामने सामने मैंने रखे थे, कि मैं आने जाने में जो पहनाने के लिए मैंने रखे थे, कि किसी के घर जाते हैं ना तो हम लोग वहाँ, जाहिर सी बात है सब जगह हीटिंग चल रही होती है, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा हम लोग गर्म कपड़े पहन के नहीं जाते, तो बस रेगुलर क्लोथ्स पहन लेते हैं और उसके ऊपर जैकेट पहन के चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब तो करना पड़ेगा, अब तो निकालने पड़ेंगे, तो अब मैं निकालती हूँ। चलें आपको पहले बर्ड से मिलवा दूँ अपने जी, मिल लें इन लोगों से। कौन है पता नहीं, एक का नाम स्वीटी है, एक का नाम फ्लावरी है, और वो एक ये है वहाँ पे ब्लू वाली, ये अब इनका भी चेंज करना है। यहाँ पे वो जो पाकिस्तान से है वो जिसमें रखने के लिए स्पेशली मंगवाए गए हैं इनके लिए, और ये न्यू आए हैं। इनमें से पहले जो है वो चार थे, उनमें से तीन मर गए थे, एक बचा था बेचारा लोनली था, तो उसके बाद जो है तीन कितने और आए, हाँ चार और लेकर आए थे, और ये उसके साथ, और ये इनका पिंजरा है अभी वो सब क्लीन। जब मेरी बेटी ना इनकी बहुत ज़्यादा, तीन लेकर आए थे, वो एक ब्लू वाला लेकर आए और ये दो ग्रीन वाले। अब वो एक्सप्लेन करेगी कौन सी ब्रीड है और क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सारा कुछ करना, इनका ख्याल रखना, तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी पेशेंट्स विद देम, बहुत जल्दी आजकल के बच्चे ना पेशेंस लूज कर जाते हैं, तो ये अच्छी एक उनकी है। मुझे पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को पसंद है चू 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 इनकी, मुझे मुझे काम के दरमियान जो है वो सन्नाटा चाहिए होता है। बहरहाल चले, और ये आज सुबह की सूरत हाल है, ये देखें आप, ये सारे कपड़े निकल गए कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, और अभी जो नहीं है सब मुझे समेटना है। बच्चों को दिखा रही थी मैं, इरज को भी निकाल के दिए, इज़मा को निकाल के दिए, और अब जो है ना ये मुझे समेटना है, और अभी ये समेटूँ या फिर ये जो मैंने सिलाई फैलाई हुई है ये कंप्लीट करूँ। अब मेरी अभी मुझे वो मैं तो ऐसी जल्दी जल्दी समेट दूंगी, अभी खाना भी फैलाना है और अफ्ताई वगैरह भी रेडी का सामान भी रेडी करना है, तो वो तो मैं अभी राइट अवे कर लूँगी, ताकि मुझे जो है ना खाना मैं अभी बना के रख दूँगी, ताकि उसके लिए मुझे हेडेक ना हो। रोटी मैं जो है वो भी बना लूँगी शाम के टाइम पर, और मुझे इस काम के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो मैं ये काम जो है ना सुकून से करती रहूँगी। ये पीछे कपड़े भी पड़े हुए यहाँ पर, ये मेरी ओवरलॉक मशीन है, और इस साइड पे जो है ना दूसरी साइड पे कपड़े जो है वो वहाँ पे स्टिच जो मैंने कर लिए वो टंगे हुए, तो वो नहीं दिखा रही मैं आपको। बहरहाल ये सब फैला हुआ है, और अभी मेरी बेटी की फरमाइश आई है, उसे ऐसा वाला गाउन चाहिए और ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए, तो उसको भी अकोमोडेट करना है। लेट्स सी क्या करते हैं। हम लोग स्कूल आए हैं, मैं स्कूल आई हूँ बच्चों को लेने के लिए, और वेदर जो है ना वो सनी हो गया है जैसे नजर आ रहा है, सो यस नाइस वेदर, सनी, गर्मी हो गई है एकदम से। अब दोबारा बारिश वगैरह जब शुरू होगी ना, तो फिर थोड़ा सा सर्दी वाला माहौल लगा। अभी तो सब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नो स्नो पैंट नो जैकेट, नाइस राइट। कहाँ जा रही हो इसमा, वेयर इज आपी, आप ही गए? देखो बर्ड, वोरी बर्ड, oh she's gone, she's a baby bird, she's go, all alone, scared हो गई है बर्ड ना हमसे, चली गई है।
I like the weather, Isma. You like it? Yeah. चलो सब enjoy कर रहे हैं, birds भी enjoy कर रहे हैं. वॉकिंग ये अच्छा वेदर ऐसा है, इसमें आपको कम गाड़ियाँ नज़र आएंगी. जैसे मेरे जैसे सुस्त होंगे वो गाड़ियाँ चला कर आते हैं, वरना बहुत सारे लोग ना लाइक 70% लोग जो है वो वॉक करके अपने बच्चों को लेने आते हैं. इस वेदर को इंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं, है ना इसमा? या ओके, चलें मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे. जैसे कि आप सबको मैंने शुरू में दिखा दिया कि वेदर बहुत मज़ेदार था, और इफ्तार के बाद हम लोग जो है वो आ गए थे बच्चों को लेके डी स्पॉट्स. अभी आप बच्चों की बातें सुनिए, मैं एक्सप्लेन थोड़ी देर में करती हूँ आपको, ठीक है? What's going on? Hello, where are we? डी स्पॉट. डी समथिंग. डी समथिंग. डी फॉर दानियल. भाई की भी पिक्चर निकाल लेते ना. यस यस यस. Look at Mustafa. ओके, तो हम असल में आए थे डी स्पॉट क्योंकि अफ्तार वगैरह करने के बाद गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और हमने सोचा बच्चों को थोड़ी ट्रीट देते हैं क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से रोज़े रख रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो बहुत अच्छे से रोज़े रखें, नमाज़ वगैरह पाबंदी के साथ पढ़ें, स्कूल में नमाज़ पढ़ लेते हैं. मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या स्कूल में किस तरह से पढ़ते हैं वो लोग नमाज़. और सब ने ऑर्डर दे दिया था, और सबसे मुश्किल जिनका ऑर्डर था ना उनका ऑर्डर सबसे पहले आ गया, यानी कि इंशा का और लारैब का. अच्छा, हो क्या रहा था, हमने जब तक ऑर्डर दिया था उस वक्त तक जितना उसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, फुली पैक था, हम लोग को इत्तेफाक से बस मिल गई, वरना बिल्कुल पैक था तो बैठने की भी जगह नहीं थी. तो बहरहाल जब हम वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने ऑर्डर वगैरह दिया, तो ऑर्डर में उसने कहा कि अभी 20 से जो है ना वो 25 मिनट लगेंगे. हमने कहा ओके दैट्स फाइन, हम लोग वैसे भी बस इंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं. तो फिर बच्चों को जो है वो मैं उनकी पुरानी पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी, और जो आप रिएक्शंस देख रहे थे उनकी अपनी पिक्चर्स के ऊपर उनके रिएक्शंस थे, और बहुत मज़ा आ रहा था. जब इन लोगों को पुरानी इनकी पिक्चर्स दिखाओ ना तो बहुत एम्बेरस होते हैं कि हम लोग ऐसे करते थे, हमारी शक्लें ऐसी बनती थी. और जाहिर सी बात है बच्चों की क्यूट क्यूट हमें वो पिक्चर्स लगती हैं जिनमें वो ज़्यादा वियर्ड फेसेस बना रहे होते हैं, या जिनके ऊपर जो है उनके मुंह पर चॉकलेट्स लगी हुई हो, या वो उल्टे गिरे हुए हो, या मतलब हिजाब पहना हुआ हो, या इस तरह की ना, तो बहुत क्यूट लगती हैं हमें वो पिक्चर्स. सो अब मैं हम लोग यहाँ बैठ के इनको वो पिक्चर्स दिखा रहे थे, और यहाँ पर ना जो ये आप देख रहे हैं ये आ गया था लारैब का और इंशा का ऑर्डर, और वो लोग बहुत ज़्यादा खाना कह रही थी हमें खाने दें, और किसी और का ऑर्डर आया नहीं आया. और हम लोग कह रहे थे कि सब लोग साथ खाएंगे, तो बस तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो जब तक सिरप डालो आराम आराम से, उस वक्त तक हो सकता है किसी और का ऑर्डर भी आ जाए, लेकिन आया नहीं. जंगलात से आए, जंगलात से. जैसे कौन आए उसका मुंह देखो. अरे मेल्ट हो गए पानी बन. ओके, तो ऑर्डर जो है वो इंशा का आ गया था, इंशा लारैब का आ गया था, और मुस्तफ़ा और इरज का आ गया था. जो सबसे ईजी वाला था ना ऑर्डर, वो बिल्कुल लास्ट में आया, और वो ऑर्डर था कि कोन के अंदर हमने एक स्कूप मांगे थे और उस पर स्प्रिंकल्स डालने थे, और वो ऑर्डर था दानियाल का और इज़मा का.
अब उन दोनों का ऑर्डर नहीं आया, बाकी सबका ऑर्डर आ गया था और सब लोग कह रहे थे बस हमें खाने दें, इन लोग का जब आएगा ये लोग खा लेंगे। और हम बड़ी मुश्किल से बच्चों को रोके हुए थे कि इस तरह से नहीं करते बेटा, सब साथ खाएंगे। और उसके बाद सब लोगों ने, इंशा और लारेव ने सबसे पहले अपना खाना माशाल्लाह से फिनिश किया, वो बड़ी भी हैं। और उसके बाद मुस्तफ़ा ने जो मंगाया था अपने लिए उसको मज़ा ही नहीं आया, और उसके अंदर पीनट बटर, अच्छा उन्होंने ना सिर्फ देख के मंगा लिया, उन्होंने पढ़ा नहीं। मैंने बोला भी था कि आप लोग मेक श्योर कर लो कि आप लोग सही चीज़ मंगा रहे हो। और आखिर में हुए ये था कि अहमद ने ना कहा, यार ये लोग इतना सारा क्रेप क्यों छोड़ रहे हैं, मैं खा लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा खा लो, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, मुझे कुछ भी नहीं खाना था। मैंने कहा था कि एक दो स्कूप्स खाने हैं, वो किसी की भी उसमें से मैं खा लूँगी। और अहमद ने भी यही कहा कि ये लोग बच्चे काफ़ी बचाएंगे तो हम लोग खा लेंगे। लेकिन फिर आखिर में अहमद ने जो है वो ऑर्डर कर दिया। आई थिंक हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया था, मैं नाम आपको फिर कभी बता दूंगी हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था। लेकिन फिर अमन ने भी ऑर्डर किया था, तो मैं और अमन खा रहे थे। आखिर में मैंने कहा यार मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो रहा है, तुम एक काम करो तुम पूरा फिनिश कर लो। और अमन को इतना बुरा लग रहा था कि ये लोग जो है वो इतना सारा बचा रहे हैं, मुस्तफ़ा वगैरह वाला, मुझे वो शक्ल से ही नहीं अच्छा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने मार्शमेलो के साथ मंगाया था और मार्शमेलो उन्होंने टॉर्च की थी ऊपर से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो बर्निंग का, तो टॉर्च से बर्निंग की थी मार्शमेलो के लिए, तो उसका थोड़ा सा जो है जायका वो क्रेप में आने लग गया होगा, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा था। जितने फ्रूट्स थे, जितनी स्ट्रॉबेरीज थी, वो तो मैंने इज़मा को दे दी, इज़मा लव्स स्ट्रॉबेरीज, और वो सारे वो खाना वगैरह सब छोड़ के ना सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खा सकती है, तो उसको तो दे दी हमने स्ट्रॉबेरी। मैं और इज़मा जो है वो हम लोग बस उल्टी सीधी हरकतें ही कर रहे थे। इज़मा को बहुत ज़्यादा आजकल मुझे बड़ा प्यार आया हुआ है, तो वो चाहती है हर चीज़ मैं उनके साथ शेयर करूँ, इवन ग्लास भी उनके साथ शेयर करूँ। तो ग्लास में मैंने दो स्ट्रॉज डाल के मंगवा ली थी, हम लोग वही शेयर कर रहे थे ग्लास। और एनीवेज तो मैं आपको ये बता रही थी कि इस मुस्तफ़ा वाला जब जो है ना, मैंने कहा अच्छा ये बाइट रह गई मैं खा लेती, मैंने कहा चलो समेट लो आइसक्रीम भी है खा लो, तुम्हारा दिल भी चाह रहा है मीठा खाने का और डिफरेंट भी हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाला बेटर है, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने में आसानी होगी। तो अहमद ने ना क्या किया, वो पूरा क्रेप था वो पूरा उठा के उसने लपेट के खा लिया। अब जब उसने मुंह में डाला ना, उसके नीचे था पीनट बटर, और उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद पीनट बटर, और उसने जो उल्टी सीधी शक्लें बनाई और मेरा हर्ष हर्ष के उराल। मैंने कहा तुम पहले चेक तो कर लेती, कहने लगी मुझे लगा इसके नीचे आइसक्रीम रखी हुई होगी। बहरहाल हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार सा हमारा ट्रिप शेयर करूँगी। और रिफ़्रेश हो गए थे, आइसक्रीम खाना सिर्फ एक बहाना था। अच्छा आइसक्रीम जो है ना वो इज़मा के और दानियाल के बस की बात नहीं थी, दोनों ने जो है वो इज़मा नहीं बचाती, आई नो फॉर श्योर, क्योंकि इज़मा को आइसक्रीम पसंद है और अगर वो कप में होती तो खा लेती, कोन उसने दानियाल की देखा देखी मंगा ली। तो कोन जो है वो, फिर मैंने यही कहा कि कोन मैंने क्या किया कि जो नीचे की तरफ बच गई थी ना उसके अंदर मैंने डाली स्ट्रॉ और थोड़ी सी उसको मैश कर दिया, और इज़मा से कहा इसको सब पी जाओ, आइसक्रीम को पी जाओ तुम, और उसको इतना मज़ेदार लग रहा था उसने उसी तरह करके ना पी ली। और शुक्र है कि उसने आइसक्रीम सारी फिनिश कर दी, कोन रह गई थी, तो कोन जो है वो दानियाल की आइसक्रीम इतनी बची हुई थी, मैंने कहा इसके ऊपर रख लो, तो दोनों दोनों कोन्स हम लोग मिला के जो है ना वो ये लोग खा लेंगे बच्चे वगैरह। मैंने कोन उसको दे दी, तो अल्लाह का शुक्र है बचा कुछ नहीं, ज़ाया कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक आइडिया हो गया, मैंने इज़मा को यही बोला कि बेटा आप ना कभी भी कोन में नहीं लेना, बिकॉज यू डोंट लाइक कुकीज़, आपको कोन वाली जो कुकीज़ होते हैं ना वो पसंद नहीं है। तो एनीवेज उसने कहा, प्रॉमिस कर लिया मुझसे, और हम लोग जो है फिर बहुत मज़े से घर आ गए। घर आके बच्चों ने थोड़ा बहुत जो है उछल कूद की, और उसके बाद जो है वो सबको सोने के लिए लिटा दिया गया, सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए सोने के लिए, क्योंकि शहरी में भी दो ना था ना अगर दूसरे दिन ट्रीट चाहिए थी तो। तो बहरहाल हम लोग ने ये वेदर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, थोड़े दिनों के लिए आया, एक डेढ़ हफ्ते के लिए आया, लेकिन बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। आप सबसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए फी अमान अल्लाह। हमें ये हमारी फैमिली है और हम कहाँ हैं,